Good morning, students of class 9th. This is the second lecture of chapter 1, India, Size and Location in the subject Geography. Students of class 9th, मैं एक बार फिर से बता दूं, ये second lecture है, दूसरा lecture है, पहले chapter का, जिसका नाम है India, Size and Location, subject है Geography. पिछले chapter में, पिछले video में हमने discuss किया था, अबाउट लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की लोकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था. अब इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे साइज़ ऑफ इंडिया के बारे में. साइज़ ऑफ इंडिया के बारे में आप जैसे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे. द लैंडमास ऑफ इंडिया कवर्स एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. जो इंडिया का लैंड मास है यानी कि भूमि का जो एरिया है इंडिया का, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका इंडिया कितना पोर्शन लेता है, ऑक्यूपाई करता है, 2.4%. अगर पूरी दुनिया को हम 100% में डिवाइड कर लें, पूरी इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया को, उसमें से 2.4% जो है वो इंडिया ऑक्यूपाई करता है. इंडिया उस पूरी 2.4% में इंडिया है. एरिया वाइज इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. अगर हम एरिया वाइज देखें, जो इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, अगर इसके बेसिस पे हम उसे दुनिया की बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है. फिर से देख लीजिए, इंडिया एरिया वाइज जो है वो वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है. पहली है रशिया, दूसरी है कनाडा, तीसरी यूएसए, देन चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पर है इंडिया. अगर आप चाहें तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ रशिया, सेकेंड इज़ कनाडा, थर्ड इज़ यूएसए, फोर्थ इज़ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड द 7th वन इज़ आवर इंडिया. द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज़ 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली. जो इंडिया का एक्सटेंट है, पिछले चैप्टर में हमने इंडिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जो उसका एक्सटेंट है, कितना दूरी है उसमें. तो इंडिया का अगर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा जाए, चाहे वो ऊपर से नीचे से आप देख लें या ईस्ट से लेके वेस्ट तक आप देख लें, तो वो है 30 डिग्री. आपका कितना डिग्री है? 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली है. अब हम इसके बेसिस पे आपको बताएंगे कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स. गुजरात से लेकर के जो आपका सबसे वेस्ट पार्ट है ऑफ इंडिया, ईस्ट में अगर आप अरुणाचल प्रदेश तक जाएं, तो वहां से लेके वहां तक का जो टाइम डिफरेंस है, अगर आप गुजरात में हैं तो अरुणाचल प्रदेश में टाइम डिफरेंस जो है वो 2 आवर्स का होगा. कितने घंटे का? 2 आवर्स का, 2 घंटे का होगा. कैसे होगा ये मैं आपको अब समझाती हूँ. अर्थ रोटेट्स वंस इन 24 आवर्स. अर्थ जो है वो रोटेट करती है 24 घंटे में एक बार. तो हम कितने घंटों के हिसाब से, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 24 into 60 मिनट्स. नाउ देर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. अगर हम पूरी अर्थ एक गोल प्लैनेट है, तो अगर हम पूरी गोलाई को एक साथ लें, तो अगर हम उसे डिग्रीज में डिवाइड करें लॉन्गिट्यूड्स को, तो वो 360 डिग्री होंगे, क्योंकि पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है ये आप सबको पता है, 360 डिग्री का होता है. तो देर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. सो द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 24 into 60 upon 360, जो कि कैलकुलेट करने पर, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कैलकुलेट करने पर निकलेगा 4 मिनट्स. एक बार फिर से समझ लीजिए,
जो टाइम डिफरेंस है टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो आपकी लॉन्गिट्यूड की दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स का मतलब है कि एक के बाद दूसरी ठीक बगल वाली लाइन, तो दो लॉन्गिट्यूड्स की लाइन के बीच में अगर हम टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे हमें कैलकुलेट करना है, 24 into 60, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है, 24 into 60 upon 360, उसे हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 मिनट्स. तो हर लॉन्गिट्यूड की दूरी जो है वो 4 मिनट्स की है. अब हमें लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात को डिस्कस करना है, तो क्या है उसका 30 डिग्री. जैसे हमने अभी पढ़ा कि 30 डिग्री है लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का. सो द टाइम डिफरेंस इज 30 into 4. 30 डिग्री है तो 30 into 4 तो कितना हो गया, 120 मिनट्स. और अगर हम उसे घंटों में बदलते हैं 120 मिनट्स को, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 120 मिनट्स है यानी कि 2 घंटे. सो टाइम डिफरेंस इज 2 आवर्स. कैसे आपको 2 घंटे का डिफरेंस है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक के बीच में, ये आपको इस कैलकुलेशन की मदद से समझ में आ जाएंगे. चाहे तो आप अपनी स्क्रीन्स को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं. हम आगे बढ़ते हैं. टू अवॉइड दिस डिफरेंस इंडिया हैज अ स्टैंडर्ड टाइम. ये जो डिफरेंस है, अगर हम इस डिफरेंस को लेके चलें, तो हर 4 मिनट, हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता चला जाएगा, तो ऐसे तो हम एक टाइम को फॉलो नहीं कर पाएंगे. सो इट हैज बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया है कि एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया जाएगा. तो इस टाइम डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए इंडिया हैज़ अ स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम है, और दैट इज़ द ऑफिशियल. और ये स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है, द ऑफिशियल टाइम ऑफ अ कंट्री और एन एरिया. स्टैंडर्ड टाइम की डेफिनेशन है द ऑफिशियल टाइम ऑफ अ कंट्री और एन एरिया, जो किसी भी कंट्री या एरिया का एक ऑफिशियल टाइम है, जो मान्य टाइम है, उसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं. और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन सी मेरिडियन पर है, कौन से लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियन पर है, ये है 82 degrees 30 minutes ईस्ट. और ये पास कहाँ से होता है, मिर्ज़ापुर से पास होता है इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से ये 82 degrees 30 minutes ईस्ट की लाइन पास होती है, और ये लाइन जो है ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है. इस पे जो टाइम है, इस लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम है, वो ही पूरे इंडिया में फॉलो होता है. दैट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया. अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, इंडियाज नेबर्स. इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट which occupies a distinct geographical position in South Asia. India एक subcontinent है और ये इसकी एक अलग ही geographical position है पूरे South Asia में. अगर Asia continent को ले लिया जाए, उसका जो South portion है, South Asia जो है, तो India एक अलग सा subcontinent दिखता है. ऐसा क्यों है, because it is separated from the rest of the continent of Asia by the Himalayan ranges. हम सब जानते हैं इंडिया के नदर्न पार्ट में हिमालयन रेंजेस हैं, और ये हिमालयन रेंजेस जो हैं ये एशिया पूरे जो पूरा जो एशिया है बचा हुआ उससे इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर देता है, तो इसीलिए ये अलग सा दिखता है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ सब कॉन्टिनेंट. अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ और देश भी हैं जिनसे इंडिया की बाउंड्री सटी हुई है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. इंडिया शेयर्स बॉर्डर्स विद द फॉलोइंग कंट्रीज. इंडिया जो है वो कुछ कंट्रीज़ हैं उनके साथ बॉर्डर्स शेयर करता है. मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे वो कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है. इन द वेस्ट, अगर हम वेस्ट पार्ट में चले जाएँ इंडिया के, तो इंडिया 2 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर कर रहा है,
पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नॉर्थ साइड में इंडिया चाइना, चाइना के अंडर में पार्ट आता है तिब्बत का, वो पार्ट जो है वो इंडिया के नॉर्थ पोर्शन में है। ये जो टॉपिक है चाइना और तिब्बत का टॉपिक, दैट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट टॉपिक, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसे हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकते हैं। पर इतना मान लीजिए कि चाइना के अंडर में जो तिब्बत का पार्ट आता है, दैट इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, वो नॉर्थ में है इंडिया के। साथ ही साथ नेपाल और भूटान भी इंडिया के साथ नॉर्थ पोर्शन में बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं। इंडिया की जो हमारे भारत की बाउंड्री है, जो हमारे सीमा है, वो नॉर्थ साइड में वो चाइना जो तिब्बत का पोर्शन है वहाँ पर उससे शेयर कर रही है, साथ ही साथ नेपाल और भूटान से शेयर कर रही है। इन द ईस्ट जो हमारा पूर्वी पार्ट है, वहाँ पर म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बाउंड्रीज शेयर कर रही है। और साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स, इनके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। अब ये साथ ही साथ ना सिर्फ साउथ में बाउंड्री शेयर कर रही है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंडिया के आइलैंड नेबर्स हैं, यानी कि महाद्वीप हैं ये, और ये नेबर्स हैं इंडिया के। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। जो श्रीलंका है वो सेपरेट है इंडिया से दो चीज़ों से, दो डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं जिससे हम इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट कर सकते हैं, एक है पाक स्ट्रेट और एक गल्फ ऑफ मन्नार। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको शायद थियोरेटिकली समझ में नहीं आए होंगे, तो इस वजह से मैं कुछ पार्ट्स को आपके साथ मैप पे डिस्कस करूँगी। और आपकी स्क्रीन के सामने एक मैप आ गया है, उस मैप के साथ मैं आपको फिर से कुछ पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगी। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके साथ नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेस्ट साइड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, पर अगर आप अपने मैप्स पे देखें ध्यान से, जम्मू कश्मीर के टिप के पोर्शन पे अफगानिस्तान का कुछ पोर्शन आ रहा है, तो दैट इज़ वाई वेस्ट के पोर्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब अगर हम नॉर्थ के यानी उत्तरी पोर्शन में आते हैं, तो जैसे लिखा हुआ है वहाँ पर चाइना, ब्रैकेट में तिब्बत लिखा हुआ है, तो दैट ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम नहीं आते हैं। बट जो मेन चीज़ देखने वाली है वो ये है कि चाइना विद इन ब्रैकेट्स तिब्बत, ये हमारी नॉर्थ के साइड में बाउंड्री शेयर कर रहा है इंडिया के साथ, और साथ ही साथ नेपाल भी है और भूटान भी है, बहुत छोटा सा आपको दिख रहा होगा भूटान। अब हम अपने इंडिया के ईस्ट साइड में आते हैं यानी पूर्वी पार्ट में आते हैं, म्यांमार आपको दिख रहा है, म्यांमार है जिसके साथ बाउंड्री शेयर हो रही है इंडिया की, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल और के बीच के से सटा हुआ बे ऑफ बंगाल के ठीक ऊपर बांग्लादेश है। तो ये कंट्रीज जो हैं वो हमारे इंडिया के साथ ईस्ट साइड में, पूर्वी साइड में बाउंड्री शेयर कर रही है। अगर हम दक्षिण के पोर्शन में आते हैं तो आप देख सकते हैं श्रीलंका, और लक्षद्वीप आइलैंड के ठीक नीचे आपको दिखेगा मालदीव्स, मालदीव्स भी एक कंट्री है, और ये दोनों श्रीलंका और मालदीव्स आइलैंड नेबर्स हैं इंडिया की। श्रीलंका, अब मैं आपको नेक्स्ट मैप पे आपको दिखाती हूँ कि श्रीलंका कैसे पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेटेड है। आप देख सकते हैं अपने मैप्स पर कि पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार आपको दिख रहा है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और मुझे आपको दिखानी है, नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है आपको दिख रहा है, ये आपको इंडियन मैप पे दिख रहा है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 degrees 30 minutes ईस्ट। ध्यान से देखिए 82 degrees 30 minutes ईस्ट, ये इंडिया को
डिवाइड कर रहा है। और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये इंडिया को मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से में डिवाइड कर रहा है, और दिस इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। और यहाँ पे जो टाइमलाइन होती है वो पूरे इंडिया में फॉलो होती है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर, वील कंटिन्यू विद दिस क्लास विद दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे।